कुछ अलग लेवल की फिल्म है एंड देन उसके बाद कितनी सारी फिल्में मैंने देखी होंगी एंड आई रियलाइज कि वो लोग रिस्क ले रहे हैं hmm. आप नोटिस करें मलयालम इंडस्ट्री मराठी इंडस्ट्री गुजराती इंडस्ट्री आर ऑल टेकिंग रिस्क स्पेशली मलयालम नाउ एंड मराठी आई मीन आई सीन फैंड्री वो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं आज वो ऑडियंस नहीं है देखने को और ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा कि एक अगर बने तो no, सब, सब वेट कर रहे हैं कि ओ टी टी पर आ जाएगा तब देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि, कि हिंदी में भी बहुत अच्छी फिल्में बनी थी शायद आ, वो फिल्म उसमें कमर्शियल एलिमेंट डालने के लिए उसके बजट बढ़े थे और सेफ स्टैंडस लिया था मेकर्स ने लेकिन स्टेक कम होते हैं जब आपके पास बजट लिमिटेड है hmm. तो आपका स्टेक हाई नहीं है बट ऑफ लेट रॉकी और रानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी आई थिंक इट्स अ ब्रेक थ्रू फिल्म बिकॉज मैनी इशूज वर टचड आई रियली लाइक द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैमिलीज पर्सनैलिटीज देर इशूज फैमिली टाइज इट्स अग्रेसिव फिल्म इट इज लोडेड है काफी, बहुत लोडेड है और इतना अच्छा म्यूजिक है इतने अच्छे एक्टर्स हैं और क्या चाहिए आई मीन जया मैम एंड शबाना मैम कमिंग अप विथ सच एज परफॉर्मेंसेस I mean, let's not talk about Alia and Ranveer. Uh, they are very good. So is the rest of the cast. Kshiti and the sister. Papa Jo The. Mm -hmm. Dharampaji The. So, everybody is good. But I loved that film. I, I take the compliment for granted for the consistency of Marathi cinema. Because the credit goes to the writers. We've had fabulous writers. Mm. Right from Vijay Kendulkar Sahib to... गिरीश जोशी उमेश कुलकर्णी गिरीश कुलकर्णी सचिन कुंडलकर एंड मेनी अदर्स आई मीन ऑल माय एंटायर फेटर्निटी फैब्युलस राइटर्स बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउ मच एवर विजन आई हैव एन अ ग्रैंड एंड ग्रैंडर आई हैव इन माय माइंड टू पुट अप द फिल्म इफ आई डोंट हैव द इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट और कोई मुद्दा ही नहीं है बताने के लिए क्या बताओगे कपड़े कितना टाइम देखेंगे लोग सेट्स कितना टाइम देखेंगे hmm. कहानी तो अच्छी चाहिए ना तो वी हैव रियली गुड राइटर्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन